हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ हीट यानी आज हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हीट है दिस इज मेनली फॉर क्लास हीट ओके सो विल स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट दैट मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं मतलब कंटिन्यूसली यू हैव टू वर्क फॉर योर गोल

तो ये थोड़ा कुछ लेंदी हो सकता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है जो आपके क्लास नाइन टेंथ के लिए जब आप हीट uh, वगैरह जो चैप्टर पढ़ोगे तो आपका बेस क्लियर करेगा ओके okay? चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले हम जान लेते हैं मैटर मैटर मीन्स एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर किसी चीज़ के पास जिसके पास थोड़ा सा वजन हो और जो इस ब्रह्मांड में जगह घेरे ना उसको आप मैटर बोलते हो ठीक है और उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स से ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्या हैं तो एटम्स वो पार्टिकल्स हैं जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन मॉलिक्यूल्स की बात करें जैसे एच टू देखो आप एच टू क्या है एक वाटर का मॉलिक्यूल है एंड दिस कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर ये एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में ठीक है अब इसका एटम्स की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये किसी ना किसी से रिएक्ट करके मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं समझ में आ गया इनके अगर हम साइज की बात करें तो 10 के पावर माइनस टेन यानी अंगस्टन में होते हैं बहुत काफी छोटे होते हैं आपको ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं बेसिकली वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप किसकी सहायता से हम इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से नॉर्मली हमको इन आँखों से दिखाई नहीं देते हैं इनका साइज बहुत 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 छोटा होता है आई होप आपको इतना समझ में आ गया ठीक है अब देखो आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करें तो इस स्पेस यानी हमारे एन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं ना दे आर इन कंटिन्यूस मोशन वो रुकते नहीं हैं हम हमेशा चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं और मोशन की वजह से उनके अंदर क्या आ जाता है उनके अंदर आ जाएगा कैनेटिक एनर्जी यानी अगर हम बात करें कैनेटिक एनर्जी की तो देखें कानेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है आप पढ़े होंगे हाफ एम वी स्क्वायर यानी वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वेलोसिटी है जिसके अंदर स्पीड है ना आप बोलोगे उसके अंदर कैनेटिक एनर्जी है और अगर हमने स्पीड को ज़ीरो कर दिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा ज़ीरो मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल के अंदर कैनेटिक एनर्जी नहीं है जीरो हो गई तो आप देखो उसका वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा जीरो यानी आप बोलोगे कि उसके अंदर कैनेटिक एनर्जी नहीं है डन जब हम बात करेंगे कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है वेन एनी ऑब्जेक्ट और वेन एनी मॉलिक्यूल और पार्टिकल मूव दैट प्रोसेस कैनेटिक एनर्जी बट वेन वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी दे सी ऑल द मॉलिक्यूल्स दे आर बाउंड विथ ईच अदर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से वो बाउंड होगा मतलब चिपके होंगे एक दूसरे में और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ रहा है आप इसको कोहेसिव फोर्स भी बोल सकते हैं कभी कभी एडेसिव फोर्स भी होता है बेसिकली वो फोर्स जिससे ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है ये उसको सेप रिजिडिटी ये सब प्रोवाइड करता है और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यानी अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच यानी ये होगा तभी जब उसके पास क्या है अट्रैक्शन है क्लियर क्लियर कॉन्सेप्ट इफ इट इज हैविंग कैनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तभी होगा इट विल हैव स्पीड पोटेंशियल एनर्जी जब उसके पास अट्रैक्शन हो ठीक है पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल ले लो आप जैसे वाटर स्टोर्ड डैम बहुत बड़ा डैम है उसमें वाटर स्टोर्ड है दैट वाटर इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स हाइट धनुष दशहरा भी खत्म हुआ आपने देखा राम जी ने रावण को धनुष से मारा तो जो एनर्जी खींचने के बाद जो एनर्जी आती है ना धनुष के अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन छोड़ने के बाद जो तीर निकल रहा है इसके अंदर स्पीड हो गया दैट विल हैव काइनेटिक एनर्जी ओके आगे बढ़े क्या आप अब इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे अब हम थोड़ा सॉलिड लिक्विड और गैस को कंपेयर कर लेते हैं कि, कि किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है ठीक है तो आप बताओ अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की सहायता से अगर मान लो मॉलिक्यूल्स हो ये गैस लिक्विड तो अगर कैनटिक थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो हमने मान लिया दिस इज गैस दिस इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड बेसिकली गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं होंगे ना दूर दूर कैनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से समझे गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं लेकिन इसके कंपैरिजन में हम बात करें लिक्विड में तो वो पास पास होते हैं और सॉलिड में तो बिल्कुल ही पास होते हैं ठीक इसीलिए ये हो गया आपका लिक्विड ये हो गया आपके पास सॉलिड solid. सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं इसलिए इनके पास फिक्स शेप साइज सब कुछ फिक्स होता है लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर नहीं होते हैं ना बहुत पास इसलिए इनका शेप तो फिक्स नहीं होता है ठीक वॉल्यूम इनका फिक्स होता है ठीक और अगर हम गैस की बात करें तो इनके पास कुछ भी फिक्स नहीं है क्यों ये फ्लो हर जगह चलते रहते हैं लेकिन जैसे मान लो अगर हम लिक्विड की बात करें तो अगर एक लीटर पानी है अगर आप उसको किसी कंटेनर में रखोगे ना तो वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा मतलब उसका सेप नहीं लेगा सॉरी सेप नहीं होता है जिसमें रखेंगे ना उसका सेप ले लेगा लेकिन इसका वॉल्यूम खुद का होता है ठीक तो ये काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से सॉलिड लिक्विड और गैस की हमने बात की अब आगे अगर बढ़े हम तो आप देखें मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी अब देखो इसमें से अगर हम सॉलिड लिक्विड और गैस की बात करें तो आप अपने तरफ प्रैक्टिकली सोच के देखो फैन ऑन होगा तो हवा चल रहा होगा हवा चल रहा होगा ना हवा चलेगा और आपके बगल में पेन ही हो गया चलो ये भी सॉलिड हो गया या ईट वगैरह कुछ भी होगा वॉल हो गया दैट इज सॉलिड तो आप बताइए इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन चल सकता है अगर कोई सबसे ज़्यादा चल सकता है ना तो वो है गैस यानी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वी आर कंपेयरिंग सॉलिड लिक्विड एंड गैस वही अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो सॉलिड्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल कम है क्योंकि दे आर फिक्स वो तो एक ही जगह पड़े हैं ना कहाँ आपके अगर रूम में कहीं पेन रखा है तो नहीं ना कूद कूद कर चल रहा है इधर उधर 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 वो तो फिक्स है अपनी जगह पर पे. पेन तो फिक्स है लेकिन हाँ हवा जो है वो चल रहा है सो so, जो चल रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो रुका है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिम इन गैसेस एंड लीस्ट इन सॉलिड उसका ठीक उल्टा होता है पोटेंशियल एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड लीस्ट इन गैसेस समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है हमने अभी एक्सप्लेन किया फॉर्मूले के साथ आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया अब आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आप हम थोड़ा हीट के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे क्या अगर मान लीजिए सॉलिड भी है लिक्विड भी है गैस भी है अगर हमने तीनों को हीट किया बराबर सॉलिड लिक्विड गैस ओके तो हीटिंग के बाद क्या होता है देखो आप जैसे मान लो कोई अगर पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है जब आप उसको हीट कर रहे हो हीट करने का मतलब कि जैसे मान लो अगर कोई सब्सटेंस हो गया ना अगर आप इसको हीट कर रहे हो जैसे ये पार्टिकल हो गया अब इसको आप हीट कर रहे ऐसे और यहाँ कोई सब्सटेंस है ठीक आप उसको हीट कर रहे हो यहां इसमें हमने रख दिया उसको अब आप इसको हीट कर रहे हो ये बर्नर हो गया गैस ये यहाँ फ्लेम जल रहा है ठीक जब किसी पार्टिकल्स को हीट करना स्टार्ट करते हैं ना तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन आ जाता है मतलब गर्मी जैसे आप खुद देख लो जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हो बहुत तेज़ी से गर्मी होने लगा तो आप शांति से बैठ सकते हैं क्या नहीं जितना ज़्यादा गर्मी होगा उतना ज़्यादा कूदना स्टार्ट करते हो क्लास में सर फ़ैन ऑन करिए यहाँ से गर्मी हो रहा है वहाँ से गर्मी हो रहा है वो वाला फ़ैन ऑन करिए ये वाला फ़ैन ऑन करिए होता है ना अगर बाय द वे फैन ऑफ हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो कूदना स्टार्ट कर देते हैं क्यों गर्मी से ज़्यादा गर्मी ज़्यादा कैनेटिक एनर्जी यानी इससे हमको क्या सीखने को मिला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा अगर आप उसको हीट करेंगे तो उसका कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो जब बढ़ेगा तो वो मॉलिक्यूल किस में हो जाएगा मोशन में हो जाएगा जैसे दौड़ने लगता है ना क्लास में बा, बाहर जाने के लिए पानी पीने के लिए इधर उधर खिड़की खोलने के लिए आपके अंदर कैनेटिक एनर्जी बढ़ गया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया वही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी उतना इंक्रीज नहीं होगा टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कुछ इंक्रीज होता है टेम्परेचर की वजह से तो वो होता है आपका कैनेटिक एनर्जी यानी अगर कोई सब्सटेंस है इफ़ यू आर हीटिंग दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस देन कैनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस इंक्रीजेस और मॉलिक्यूल इंक्रीजेस बढ़ेगा वही अगर आप उसको ठंडा करोगे ना जैसे अब ठंडी का दिन आएगा तो देखो सब चिपचाप बैठे रहेंगे ठंडा लगेगा चिपक चिपक के एक दूसरे में ऐसे ही मोलिक्यूल्स का भी केस है अगर आप उस मोलिक्यूल को जब ठंडा करना स्टार्ट करते हो ठंडा करोगे तो उसका कैनेटिक एनर्जी घटेगा क्लियर कैनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ऑन हीटिंग गर्म करने पे बढ़ता है लेकिन ठंडा करने पे भी वो घटता है डिक्रीजेस ऑन हीटिंग आई होप आपको समझ में आया ठीक है इट डिक्रीजेस ऑन हीटिंग आप इसको मैंने लिख दिया है ताकि आप इसको एक बार देखते भी रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा ठीक है अब हम बात करें जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल हो गया उसके अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी है जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंटरनल का मतलब जैसे मान लो मेरे अंदर जितना काइनेटिक एनर्जी होगा वो मेरा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है और जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ना वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है एम जी एच यानी हाइट की वजह से यानी इनर्जी प्रोसेस्ड बाई ए बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन की वजह से जो हो रहा है वही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट और पोजीशन यानी उसके स्टेट या पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मान लो कोई अगर एक बच्चा है अपने वो मतलब अपने घर में कोई दो तीन चार फुट ऊंचा दीवार है उस पर खड़ा है वॉल पे ठीक अगर वो उस पर से गिरेगा तो उसको ज़्यादा चोट लगेगा और अगर वो छोटा सा बेड है उस पर से गिरेगा तो उसको कम चोट लगेगा रीज़न क्या है हाइट वॉल पे ज़्यादा हाइट था एम जी एच हाइट ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा गिरेगा तो ज़्यादा चोट लगेगा बेड है छोटा सा बेड है एम जी एच हाइट कम है गिरेगा तो कम कम पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर है यानी उसको चोट कम लगेगी ठीक है तो जितना कानेटिक एनर्जी किसी एक ऑब्जेक्ट के पास होता है स्टोर्ड आप उसको बोलोगे टोटल इंटरनल कानेटिक एनर्जी और जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है ना सम टोटल ऑफ ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब देखो किसी ऑब्जेक्ट का जो टोटल एनर्जी मतलब हमारे अंदर कितना एनर्जी है उसको अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल इंटरनल कानेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी कानेटिक एनर्जी की हम टोटल एनर्जी की बात करें ना तो टोटल एनर्जी उसको हम हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू टोटल कानेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी अब कानेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच ठीक ये होता है आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो टोटल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करना होता है तो आप इसी फार्मूले से कैलकुलेट करते हो टोटल इंटरनल एनर्जी और टोटल हीट एनर्जी की जब हम बात करें इस चैप्टर हीट में बात करेंगे ना तो यहाँ टोटल हीट एनर्जी इन अ बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल इंटरनल कैनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब हीट आ गया यहाँ एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल क्या होगा एनर्जी का यूनिट जूल आपको याद रखना है ठीक है ना ऐसा यूनिट बेसिकली उसका क्या होता है जूल होगा ठीक है हमने अब तक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा इस चैप्टर का मतलब अगर आपके पास जो हमने पढ़ाया अभी ये सब बातें अगर आपको आ गई तो आपको ये जो चैप्टर है ना वो कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है ठीक है आप समझ आने क्या मुझको समझ में आने वाला है सर ने बोला है ठीक चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जैसे मान लेते हैं कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट हो गया और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट ठीक हमने मान लिया कि चलो ये हॉट ऑब्जेक्ट हो गया ये कोल्ड ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट है एक गर्म चीज़ है एक ठंडी चीज़ ठीक मतलब यहाँ गर्म पानी है एक बोतल और ये ठंडा पानी एक बोतल हमने उन दोनों जो बोतल है ना उसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया यानी इसमें से पानी अब इसमें भी जा सकता है बीच से पाइप कनेक्ट हो गया यानी दोनों हॉट वाटर और कोल्ड वाटर नव आर बोथ कनेक्टेड हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया अब यहाँ क्या होगा आप सोच के बताओ होगा यही कि जो हीट है दोनों का वाटर लेवल सेम है तो जो गर्मी है ना यानी जो गर्म पानी है उसमें से जो गर्मी है वो ठंडे पानी में जाएगा यानी हीट विल फ्लो हीट फ्लो होगा ना यानी अब अगर इसको देखें तो हम तो नॉर्मली बोल रहे हैं कि हीट फ्लो होगा लेकिन अब थोड़ा हम अगर इसके अंदर जाएं तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर से घटेगी किसके अंदर बढ़ेगी यानी हॉट ऑब्जेक्ट जो है उसका टेम्परेचर घटेगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा ना अब काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का संबंध डायरेक्ट होता है यानी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो टेम्परेचर भी घटेगा यानी हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घट रहा है मतलब उसकी कैनेटिक इनर्जी भी घटेगी और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब इसकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है आई होप आपको यह समझ में आया होगा ठीक है अगर हम बात करें चेंज ऑफ स्टेट की अब किसकी बात करेंगे हम चेंज ऑफ स्टेट का मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एनर्जी लेने या देने से जो परिवर्तन होता है ना आप इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे मान लो आपके पास आइस क्यूब्स हैं बर्फ है ठीक अब आपने उसको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि फ्रिज के अंदर था तो टेम्परेचर उसका मेंटेन था लेकिन बाहर आ गया तो टेम्परेचर ज्यादा है तो वो अब टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है वो मेल्ट हो रहा है ठीक क्यों हुआ क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में आते ही गर्मी मिली और वो टेम्परेचर एब्जॉर्व कर रहा है और अपना स्टेट चेंज हो रहा है उसका ठीक है सो ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ ए सबस्टैंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यानी अगर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात करें देख लो भैया एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट शब्द का मतलब होता है ना स्थिर रुका हुआ यानी अगर हमने बोला कांस्टेंट टेम्परेचर अभी 22 है एग्जांपल के लिए तो अब तापमान बदलेगा नहीं 21 भी नहीं होगा 23 भी नहीं होगा सिर्फ 22 ही रहेगा मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर अगर फाइव डिग्री सेल्सियस है इसका मतलब टेम्परेचर फाइव ही होगा न सिक्स होगा ना फोर होगा उसी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे देर विल बी नो चेंज इन एवरेज कानेटिक एनर्जी ऑफ इट्स रहा है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अपना स्टेट बदल रहा होता है ये सब्सटेंस अपना स्टेट बदल रहा होता है लेकिन अगर हम तापमान को फिक्स करें कॉन्स्टेंट करें तो उसके जो इंटर जो कानेटिक एनर्जी है ना एवरेज उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है ये खास बात है आप याद रखिएगा ओके अब इसको हम लगाएंगे अभी इंप्लाई करेंगे तो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ओके आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे ठीक है इसको देख लो और इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना है कुछ भी कर लो ये आपके पास होना चाहिए ओके okay, बच्चों आप देख लेते हैं हम सीधा क्या इफेक्ट ऑफ हीट यानी इस पूरे चैप्टर में हमको इफेक्ट ऑफ हीट ही पढ़ना है सिर्फ यही तीन टॉपिक है जिसको आप पूरा ही आपका चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है बात करें चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी पहला टॉपिक है यानी हीट क्या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का तापमान बदल देता है या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा और वो डायरेक्टली संबंधित है किससे उससे कैनेटिक एनर्जी से अगर तापमान बढ़ा तो कैनेटिक एनर्जी बढ़ा तापमान घटाओ तो कैनेटिक एनर्जी घट गया ठीक है दूसरी बात करें अगर हम स्टेट चेंज इन द स्टेट ऑफ ए बॉडी स्टेट का मतलब यहाँ देखे हमने डायग्राम बनाया है कि लिक्विड है तो अगर आप उसको और ठंडा कर रहे हो ठीक कूल cool करेंगे तो उसका असर क्या होता है सॉलिड है अगर आप उसको फ्रीज कर रहे हो ठंडा कर रहे हो तो क्या हो रहा है उसको गर्म कर रहे हो तो क्या हो रहा है ठीक अगर मान लो वाटर है अगर आप उसको फ्रीज करोगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी स्टेट बदल जाता है अगर वाटर है आप उसको हीट करोगे तो लिक्विड था अब वो वेपर में बदल गया भाप में बदल गया यानी पानी से किस में बदल गया हवा में बदल गया तो यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है ठीक है अगला है साइज ऑफ ए बॉडी यानी यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को जब आप हीट करते हो तो उसका साइज बदल जाता है अब आप पढ़ेंगे उसको क्यूब क्यूबिकल एक्सपेंशन लिनियन एक्सपेंशन ये सारे वर्ड्स हैं आगे यानी ये पूरा चैप्टर बस इसी इफेक्ट ऑफ हीट पे ही बेस्ड है हमको इन्हीं तीन टॉपिक्स को पढ़ना है डिटेल में पढ़ लेना है ठीक है बहुत ही इजी है बहुत ही मजा आने वाला है चलिए स्टार्ट करें हम पहला क्या है चेंज इन टेम्परेचर यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट का तापमान चेंज हो जाएगा सिंपल है है मान लो कोई आयरन है मान लो वाटर है पानी है चलो आप उसको हीट करोगे तो उसका तापमान बढ़ेगा वो जलने लगेगा अगर आप उसको ठंडा करोगे तो उसका तापमान घटेगा और वो फ्रीज होने लगेगा यानी टेम्परेचर इज हियर डायरेक्टली रिलेटेड विद द कैनेटिक एनर्जी किसे संबंधित है कैनेटिक एनर्जी से अगर तापमान बढ़ा कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का बढ़ेगा तापमान घटा मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का सीज होगा घट जाएगा ठीक है ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी अब देखेंगे किन दो फैक्टर्स पर निर्भर करता है पहला है क्वांटिटी ऑफ हीट इम्पार्टेड और रिलीज यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर आपने हीट दिया है देंगे तो उसे इम्पार्ट बोलते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा समझना है बिल्कुल आसान है देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको गर्म करोगे तो तापमान बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इसको हम हीट इम्पार्टेड बोलते हैं इम्पार्टेड का मतलब उसको दिया और दूसरी बात हीट रिलीज की बात कर रहे हैं रिलीज का मतलब अगर मान लो जिसको हमने हीट दिया वो जल्दी से हीट को रिलीज कर दे रहा है रिलीज़ कर रहे है मतलब छोड़ दे रहा है तो उसका तापमान घट जाएगा उदाहरण दे रहे हैं जैसे देखो वाटर हो गया ना आप इसको हीट दोगे तो धीरे धीरे गर्म होता है तो धीरे धीरे ठंडा भी होगा ठीक लेकिन सैंड बालू हो गया जो जाता है ना भूजा खाने के लिए तो वहाँ पर देखोगे तुरंत वो गर्म होगी सैंड और तुरंत ठंडी हो जाती है समझ में आएगा तो कैनेटिक एनर्जी उसका तुरंत बढ़ेगा तुरंत घटेगा वाटर का धीरे धीरे बढ़ेगा धीरे धीरे घटेगा तापमान के साथ तो ये इट डिपेंड्स ऑन द वॉट क्वान्टिटी ऑफ हीट इम्पार्टेड और रिलीज ठीक है एक फैक्टर हो गया दूसरे में अगर हम बात कर लें मटीरियल ऑफ द बॉडी यानी आप हीट ऑब्जेक्ट किसी को हीट कर रहे हो तो वो कितना हीट ले रहा है अगर हम इसकी बात करें यानी उसके अंदर कितना तापमान में परिवर्तन हो रहा है वो उसके मटेरियल पे भी निर्भर करता है ठीक है ना मटेरियल का मतलब अगर यहाँ हम बात करेंगे ना डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट यानी हर एक मटेरियल का हीट को होल्ड करने की क्षमता अलग होती है कुछ मटेरियल्स ज़्यादा देर तक गर्म रहते हैं और कुछ तुरंत गर्म होकर ठंडे हो जाएंगे अभी हमने उदाहरण दिया जैसे वाटर हो गया पानी उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है है ना तो मम्मी चाय देती हैं तो उसको बहुत काफ़ी देर फूँकते हैं इसके बाद पीते हैं क्यों अगर ऐसा नहीं होता तो तुरंत पी जाते लेकिन जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक तो उसको हम छूएंगे नहीं नेक्स्ट दूसरा उदाहरण बेस्ट था सैंड का सैंड देखो बहुत तेज अगर गर्मी का समय होगा ना दिन में जितना ही तेज जलता है ना रात में उतना ही उसमें वहाँ ठंडा लगने लगता है क्योंकि वो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है बहुत तेज़ गर्म होगा तो बहुत तेज ठंडा भी होता है अब हम डिफाइन कर लें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट टेम्परेचर यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है उसका मास फिक्स है तो उसके वन डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में आप जो हीट लगा रहे हो ना वही स्पेसिफिक हीट है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग होता है हमने एग्जाम्पल दिया वाटर का वाटर गेट्स

स्टेट का मतलब क्या होता है अगर हम बात करेंगे चेंज इन स्टेट फ्रॉम चेंज ऑफ बॉडी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट का मतलब होता है उसका क्या बात करें स्टेट का मतलब कि जैसे उसकी स्थिति ठीक ना जैसे मान लो अगर हम आइस है आइस बर्फ है उसे मारेंगे तो खोपड़ी फूट सकता है दैट इज सॉलिड टच करेंगे बहुत हार्ड लगेगा सॉलिड है वो वो मेल्ट होके लिक्विड में बदलेगा तो पानी देख लो वाटर हो गया वाटर दैट कैन फ्लो दैट इज लिक्विड स्टेट हो गया वो इसका और वो इसको और हीट करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा तो ये स्टेट है ये डिफरेंट स्टेट्स होते हैं ठीक है सॉलिड लिक्विड एंड गैस अब यहाँ बात करेंगे कि हीट की वजह से जो स्टेट्स हैं ना वो कैसे बदल रहे हैं वॉट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन दिस स्टेट यू सी फर्स्ट दिस इज सॉलिड बहुत ईजी है यहाँ से क्वेश्चन आएगा कन्फर्म सॉलिड लिक्विड गैस ध्यान से देखेंगे कॉमन सेंस का यूज करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ हमने देखो समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया है वाटर क्या ले लिया है वाटर अब आप, आप बता दो जब वाटर को आप आ, किस फॉर्म में सॉलिड रहता है वाटर आइस में तो समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ ये एग्जाम्पल ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए आइस हो गया आइस को अगर आप हीट करोगे तो लिक्विड फॉर्म में खुद वाटर होता है बोल दो और उसको और आप अगर गर्म कर दोगे तो वेपर फॉर्म हो गया कौन सा फॉर्म हो गया वेपर ये मैंने क्यों लिया ताकि तुमको ये तुरंत समझ में आ जाए इसलिए लिए ठीक है ना अब देखो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं सपोज दिस इज सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड इज रिप्रेजेंटेड बाय आइस लिक्विड बाय वाटर एंड गैस बाय वेपर अब देखिए सॉलिड यानी आइस को जब आप हीट करेंगे देखो प्लस एच का मतलब ना हमने इसको हीट किया माइनस एच का मतलब हमने इसको ठंडा किया हीट गिवन हीट रिलीज और फ्रीज मतलब अगर उसको गर्मी देंगे ना तो हमने प्लस एच लिख दिया है और उसमें उसको ठंडा करेंगे तो माइनस एच ठीक ना अब देख लो ताकि जगह बच जाए मेरा देखो सॉलिड है सॉलिड को अगर आप ही यानी उसको गर्मी देंगे हीट करेंगे तो सॉलिड यानी बर्फ है उसको हीट करेंगे तो ये पिघलेगा मेल्ट होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में इस प्रक्रिया को एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देखो हर बार यू इस्तेमाल करना है सारे डिफिनेशन में एक शब्द एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यहां पे क्या हो वेन हीट इज इम्पॉर्टेंट और वेन सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इन टू लिक्विड फॉर्म दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग बहुत आसान है इसमें पढ़ना ही क्या देखो बर्फ़ है पिघल गया पिघलने को मेल्टिंग बोलते हैं अरे उसको गर्मी लगेगा तभी तो पिघलेगा वो पिघल के किस में हो जाएगा लिक्विड में और जो पानी हो गया अगर आप उसको फिर से गर्म कर रहे हो जैसे मम्मी देखो पानी गर्म करती है या दूध गर्म करिए तो उसके ऊपर भाप निकलता है क्यों क्योंकि हमने उसको हीट दिया तो लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो किसमें बदलेगा गैस में इस प्रक्रिया को पानी भाप में बदलता है वेपर में तो वेपराइजेशन बोल देते हैं और क्या आप स्टेट याद रखें लॉजिक से वेन सॉलिड इज हीटेड चेंज इंटू लिक्विड बाई प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग लिक्विड इज हीटेड इट चेंस बाई प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन ठीक समझ में आ गया अब इसका ठीक अगर हम उल्टा चलें तो गैस को अगर आप ठंडा करोगे ना जैसे रेनफॉल कैसे होता है वाटर वेपर जो एटमोसफेयर में प्रेजेंट है दैट गेट्स कंडेंड कंडेंसड होगा ना भैया तो देखो ये हीट रिलीज होगा वहां पर इसीलिए जब बारिश होती है ना तो गर्मी लगता है हीट रिलीज होगा गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा यानी वेपर विल कन्वर्ट इनटू बैक इनटू वाटर दिस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन आगे देख लें वाटर को अगर हमने फिर और फ्रीज किया और ठंडा किया तो पानी जो है ना मतलब फ्रीज के अंदर क्या करते हो आप वाटर ले जाकर रख दोगे उसमें से बर्फ निकल जाएगा क्यों क्योंकि और ज्यादा ठंडा हो गया मतलब क्या वाटर इज फ्रीज्ड इन द फॉर्म ऑफ उप। सॉलिड अब लिक्विड से सॉलिड में बदलने की प्रक्रिया फ्रीजिंग है गैस से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया कंडेंसेशन है इसमें हीट रिलीज होगा इसमें हीट रिलीज होगा और सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया मेल्टिंग है इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा और यहां हीट एब्जॉर्ब होगा सब में आप डेफिनेशन यही लिखेंगे लेकिन आगे क्या लगा देंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डन अब देख लो दो खास बात है जैसे आपने देखा होगा सॉलिड से गैस में यानी कैम्फर कपूर देखा है ना कपूर या ओडोनिल देख लो तो बाथरूम वगैरह में होता है ना ओडोनिल इतना बड़ा सॉलिड होगा उसको रख दोगे आप, धीरे धीरे उड़ जाता है उड़ते उड़ते ख़त्म हो जाता है यानी चेंजिंग ऑफ वो उड़ा तो सॉलिड था सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस यानी बेसिकली होना है क्या चाहिए सॉलिड को लिक्विड में जाना चाहिए लिक्विड से गैस में लेकिन अगर सॉलिड सीधे गैस में चला गया आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हो सब्लिमेशन कपूर हो गया नेपथलीन हो गया ओडोनिल हो गया ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं ओके अब वही गैस को लिक्विड में बदलना चाहिए लेकिन गैस सीधे सॉलिड में बदल जाए आप इस प्रक्रिया को क्या बोलते हो सॉलिडिफिकेशन क्या बोलेंगे इसको सॉलिडिफिकेशन ओके okay? हमने आपको समझा दिया है ये कॉन्सेप्ट आप इसका डिफिनीशन थोड़ा सा अगर चाहें तो रट सकते हैं इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट अगर हम बात करें अ प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी ये वर्ड सब में कॉमन है और देखें एक स्टेट से दूसरे की हम बात करेंगे चेंज अ प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट इसमें से हर एक डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है ठीक है आपको सारा आना चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं देखें प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने वाली प्रोसेस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम क्या बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं अब इसमें से हम पहला डिफिनीशन देख लेते हैं मेल्टिंग का किसका देखेंगे हम मेल्टिंग का यहां देखो वेन अ सॉलिड इज हीटेड यानी सपोज करो आइस है आप आइस को हीट कर रहे हो इट विल चेंज इन टू लिक्विड फॉर्म इट चेंजेस इंटू लिक्विड एट अ फिक्स टेम्परेचर यानी एक फिक्स टेम्परेचर पर वो किस में बदल जाएगा लिक्विड में बदल जाएगा दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग यहाँ भी हमने बात किया फिक्स टेम्परेचर की इफ ए लिक्विड इज कूल्ड इट फ्रीजेस इंटू सॉलिड एट अ फिक्स टेम्परेचर इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग यानी अगर आपने किसी भी लिक्विड है उसको अगर आपने फिक्स टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर ठंडा कर दिया एग्जाम्पल वाटर का लेना है मैंने बार बार बोला है कि आप सिर्फ वाटर का एग्जाम्पल लेंगे अगर आपने वाटर का एग्जाम्पल लिया तो अगर मान लो लिक्विड है अगर आपने उसको ठंडा किया रेफ्रिजरेटर में रख के ऑब्वियसली वो किस में चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज आइस में आइस कौन सा स्टेट है सॉलिड स्टेट है चलिए इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ रहे हैं हम वेन लिक्विड इज हीटेड यानी आपने वाटर को हीटअप किया इट्स चेंजेस इन टू गैस वो गैस में बदल जाएगा या वेपर में बदल जाएगा सब में कंडीशन क्या रखना है एट फिक्स टेम्परेचर एट फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपराइजेशन और बॉइलिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी नेक्स्ट वेन वेपर इज कूल्ड यानी जो भाप है जैसे रेन रेनफॉल इसी वजह से होता है यानी जो वाटर वेपर एटमोसफेयर में प्रेजेंट है जब वो ठंडा होता है बहुत ऊपर जाके जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर घटता है नॉर्मल लेप्स रेट उसका एक इंपॉर्टेंट कॉज है वेन वेपर इज कूल्ड इट चेंजेस इंटू लिक्विड एट अ फिक्स टेम्परेचर दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन ये रेनफॉल होने का सबसे बड़ा कारण है ठीक है अगला देख लें वेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस डायरेक्टली इंटू वेपर अगर सॉलिड को आपने हीट किया और वो डायरेक्टली वेपर में बदल जाए एग्जाम्पल लेते हैं कैम्फर हमने लिया था ऑर्डोनिल का उदाहरण समझने के लिए लिया था नेपथलिन जितने भी सॉलिड्स हैं जिनको आप तुरंत हीटअप करेंगे तो तुरंत वो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इन टू लिक्विड इट विल चेंज डायरेक्टली इनटू गैस दिस इज कॉल्ड सबलिमेशन इसको हमने बहुत डिटेल में भी समझाया था इसलिए हम सिर्फ डिफिनीशन देख रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं ड्यूरिंग द चेंज ऑफ वन स्टेट हीट इज एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट यानी जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो ऑब्वियस है कि या तो हीट एब्सॉर्ब करोगे या तो हीट रिलीज करोगे आप इसको क्या बोल देते हैं इसको बोलते हो आप लेटेंट हीट आप क्या बोलोगे इसको लेटेंट हीट हीट एक्सप्रेस्ड पर यूनिट यानी वही लेटेंट हीट अगर आप पर यूनिट में मास में एक्सप्रेस करेंगे तो आप इसको बोलोगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट यहां एक वर्ड आएगा यूनिट मास देखें आप इफ इट इज एक्सप्रेस इन यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेस स्पेसिफिक लेटेंट हीट आई होप आपको समझ में आ गया एक सबसे खास बात ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट यानी किसी भी स्टेट के इंटरकन्वर्जन में जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वो बदलती है लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी बदलती नहीं है ये अगला पॉइंट हो गया तो ये ओके डियर स्टूडेंट्स नाउ विल टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इवपोरेशन ओके यू सी पहले हम डिफाइन कर लेते हैं ईपरेशन और उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवोपरेशन यानी लिक्विड को जब आप हीट करोगे गर्म करोगे तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है और उसी को आप क्या बोलते हो इवोपरेशन चलिए देख लेते हैं उसमें म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द लिक्विड इज लेस सिंपल है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना सबसे मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में उससे कम होता है लिक्विड में और सबसे कम किस में होगा गैसेस में वही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द लिक्विड इज लेस देन सॉलिड्स सो लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू आउट द लिक्विड यानी इसी कारण से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो पूरे लिक्विड में ही चलते रहते हैं आप रेंडमली देखेंगे ना तो उनके अंदर मोशन होता रहता है जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो चलते रहेंगे अगला पॉइंट वे लिक्विड मॉलिक्यूल रीचेज द सर्फेस यानी जो लिक्विड का मॉलिक्यूल होता है जैसे सपोज करो आपने ये वाटर रख लिया ये तो अगर इसके सरफेस पर आ गया ना लिक्विड मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सतह पर पानी के एकदम ऊपर अब जो दूसरा नीचे वाला लिक्विड मॉलिक्यूल है ना मान लो एक मॉलिक्यूल ऊपर हो गया दूसरा मॉलिक्यूल नीचे है तो जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है ना इसको नीचे वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचता है यानी सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचते हैं सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल को खींचेंगे यू कॉल दिस कोहेसिव फोर्स आप इसे क्या बोलते हो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स के अंदर होने वाला अट्रैक्शन क्या है कोहेसिव फोर्स है इसका दूसरा फोर्स अगर हम बात करें तो एडहेसिव होता है एडहेसिव का मतलब एक प्रकार का मॉलिक्यूल दूसरे प्रकार को खींचेगा एग्जाम्पल लेते हैं बेस्ट एग्जाम्पल जैसे आप अपने घर में देखोगे लैंप यूज, यूज करते हैं लैंप यूज करते हैं ना तो लैंप में देखोगे आप तो क्या ऑयल वाला लैम्प पहले यूज़ होता था अभी भी शायद यूज़ हो रहा हो तो उसमें बेसिकली होता है क्या है कि जो लैम्प है उसमें ऑयल में जब होता है ना तो ऑयल उसका जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं हम उस कपड़े को पकड़ के धीरे 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 ऊपर जाता है तो एक ऑयल का मॉलिक्यूल दूसरे ऑयल के मॉलिक्यूल को खींचेगा ना ये हो गया कोहेशन लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट क्लॉथ एंड ऑयल इज़ एडहेशन एडहेशन का मतलब दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगा और कोहेशन का मतलब एक प्रकार में ठीक है आगे देखें मॉलिक्यूल्स इन मोशन हैव काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं अगर अगर कोई चला अगर उसके पास स्पीड हुआ यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा कॉन्सेप्ट दूसरा अगर कुछ ऊंचाई पे है या किसी स्टेट में है जैसे स्प्रिंग दबा दिया हमने इसका स्टेट वेरी कर लिया या किसी को बहुत ऊंचाई पे ले गए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा ठीक है कोलाइड विथ ईच अदर वेन लिक्विड बॉयल्स सेम मक्यूल विथ मोर कोनेटिक इनर्जी ड्यूरिंग ईपरेशन कह रहा है कि अगर लिक्विड के अंदर अगर आप उसको हीट अप कर रहे हो सपोज करो जो वाटर है अगर आपने वाटर मोलिक्यूल को हीट किया जो इपरेशन के वक्त हम हीट करते हैं तभी ऑपरेशन होता है बेसिकली ओपरेशन सारे टेम्परेचर पे होता है लेकिन हम जब हीट करते हैं ना तो उस वक्त वो ज़्यादा होता है क्यों क्योंकि जो आप सपोज करो नीचे से आप इसमें आग दे रहे हो तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है अब जब काइनेटिक एनर्जी आ जा जाएगी तो नीचे का मॉलिक्यूल भाग के ऊपर जाएगा और ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे आएगा क्यों क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी है इसका तापमान ज्यादा है और ऊपर वाले मॉलिक्यूल के अंदर कम एनर्जी है और उसका तापमान कम है इसीलिए नीचे वाला जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है वो कहाँ भाग के जाएगा ऊपर अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं सीखो आप अगर सपोज करो नीचे से मॉलिक्यूल दौड़ के ऊपर गया और उसके अंदर बहुत अगर ज़्यादा एनर्जी है समझो थोड़ा बात समझो जैसे हमने क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स उसको खींच के रखेंगे सपोज करो यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल हो गया ठीक अगर हमने मान लिया कि यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल है ऐसे यहाँ कोई लिक्विड मॉलिक्यूल बड़ा सा हमने ड्रॉ कर लिया ठीक हमने दूसरा यहाँ पर बड़ा लिक्विड मॉलिक्यूल ड्रा कर दिया वन टू अब हमने बोला कि इसको ये भी खींच रहा है इसको ये भी खींच रहा है अगर इसका ये फोर्स जो खींचने वाला है ना ये मजबूत होगा तो ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ना ये वेपर बन के ऊपर नहीं उड़ पाएगा इसी लिक्विड में यह घुलता रहेगा घूमता रहेगा लेकिन अगर आपने ज़्यादा हीटिंग कर दिया टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो ये जो मॉलिक्यूल है ना इसके अंदर ज़्यादा कानेटिक एनर्जी आ जाती है जब ज़्यादा कानेटिक एनर्जी आ जाएगी ना तो इन दोनों का जो खींचने का फोर्स है इससे ज़्यादा कानेटिक एनर्जी हो जाने की वजह से ये इन लोगों का साथ छोड़ के भाग जाता है यानी किस फॉर्म में चला जाएगा ऊपर वेपर के फॉर्म में चला जाएगा किसके फॉर्म में चला जाएगा वेपर के फॉर्म में इसका मतलब अगर हम बात करें अगर हमने हीटिंग ज्यादा कर दिया उसमें कैनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा हो गई तो वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड है ना उसको छोड़ के वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाता है आई होप आपको यूपरेशन का जो असली कॉन्सेप्ट है वो अब समझ में आ गया कि यूपरेशन क्यों होता है एनी डाउट आगे बढ़े हम सम मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग यू डू वर्क अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स वही कोशिव फोर्स है जो दूसरा मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है उससे ज़्यादा बल होगा उसको छोड़ के भाग जाएगा ऊपर और वो वेपर का फॉर्म ले लेगा एंड स्केप फ्रॉम लिक्विड सरफेस लिक्विड सरफेस से स्केप करके कहाँ चला जाएगा वो एटमोसफियर में किसके फॉर्म में वेपर के फॉर्म में आप खुद से क्वेश्चन पूछा करें ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए आगे हम बढ़ते हैं हम बात करेंगे इफेक्ट वेरियस इफेक्ट्स ऑन ईवोपरेशन उसमें से फर्स्ट जो इफेक्ट है सबसे कॉमन है दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ईवोपरेशन यानी टेम्परेचर पे ईपरेशन का असर क्या है ये देखते हैं देखें आप फर्स्ट आप टेम्परेचर की बात करें टेम्परेचर का मतलब तापमान जितना तापमान आप बढ़ाएंगे उतना कैनेटिक एनर्जी पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स का बढ़ेगा बढ़ेगा तो वो ज़्यादा तेजी से ऊपर रहेंगे और ज़्यादा तेजी से अगर ऊपर आए तापमान ज़्यादा रहा तो वो कोहैसी फोर्स को तोड़ के ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे यानी दे विल गेट कन्वर्टेड इन टू वेपर फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड इफ़ टेम्परेचर इज मोर ठीक है बाकी फैक्टर्स ये भी हम देखेंगे चलिए देख लेते हैं ओके okay बच्चों अब अगले फैक्टर्स को देख लेते हैं जिसमें से दूसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच अफेक्ट्स द इवोपरेशन इज ब्लोइंग एयर मीन्स ब्लोइंग एयर का मतलब जैसे मान लो हवा चले तेज तो इवोपरेशन पे उसका क्या असर पड़ता है चलो प्रैक्टिकली समझ लेते हैं आप जैसे मान लो अपना ड्रेस सुखाना हो अगर तो अगर पंखे के नीचे रख दे रहे हो तो क्या होगा ड्रेस जल्दी सूख जाएगा सूख जाएगा ना जल्दी क्यों क्योंकि रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है तो ब्लोइंग एवर एयर के केस में क्या होगा रेट ऑफ इवोपरेशन विल इंक्रीज रीजन भी देख लेते हैं बिकॉज एयर कैरीज अवे वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सर्फेस यानी अगर मान लो सरफेस है उससे जो आ, अगर हम इवोपरेशन नॉर्मली हो रहा है तो कम होगा लेकिन अगर उसमें आके हवा जब टकराएगी और उससे फिर बाहर निकलेगी तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उनको हवा अपने साथ लेके उड़ जाती है अब उसका जगह लेने के लिए दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो भी उड़ जाएगा अगला आएगा इसलिए हमने क्या देखा कि रेट ऑफ यू इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द ब्लोइंग विंड यानी अगर हवा तेज चले तो रेट ऑफ यू ऑपरेशन हमारा बढ़ जाता है दूसरा फैक्टर देखते हैं सॉरी थर्ड फैक्टर इंक्रीज इन सरफेस एरिया सरफेस एरिया का मतलब अगर हम बात करें जैसे मान लो अगर आपको अपना चलो शर्ट ही अगर सुखाना हो तो आप शर्ट को बिल्कुल कम में जैसे सपोज करो शर्ट हो गया ये आप शर्ट को फैला के ले लिए और बिल्कुल दूसरा ऐसे करके रख दो अब बताओ तो ये सर्फेस एरिया कम हो गया तो शर्ट जल्दी सूखेगा क्या नहीं सूखेगा और वही आप उसको फैला के रख देंगे तो जल्दी सूख जाएगा क्यों क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है ज़्यादा एरिया मिल जाता है ताकि वो स्केप आउट हों ठीक है तो ज़्यादा अगर एक्सपोजर होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे एक्सपोजर अगर कम होगा तो कम मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे देखिए इसका रीज़न क्या है यू ऑपरेशन इंक्रीज एज नंबर ऑफ मोलिक्यूल स्केपिंग आउट ऑल्सो इनक्रीजेस यानी जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो कपड़े को छोड़ रहे हैं सरफेस एरिया बढ़ाने से उनका नंबर बढ़ जाएगा तो वाटर का इवोपरेशन भी ऑब्वियसली क्या होता है बढ़ जाता है फिर आगे हम देख रहे हैं वॉट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द इेशन यानी ह्यूमिडिटी का इवोपरेशन पे क्या असर है ह्यूमिडिटी का मतलब जान रहे बेटा क्या होता है ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी भाई तो प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी की हम बात करें तो ह्यूमिडिटी का मतलब कि अगर पहले से ही वातावरण में एटमॉस्फेयर में यानी हवा में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है ना तो जो लिक्विड सरफेस है जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलना है उनको प्रॉब्लम होगा जैसे आप समझें अगर रोड पे पहले से ही भीड़ है ट्रैफिक है तो आपको बाहर निकलने में दिक्कत होगी घर से मार्केट जाने में दिक्कत होगी ऐसा ही होता है ई ऑपरेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अगर पहले से एयर में पहले से ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना तो उसको निकलने में प्रॉब्लम होता है यानी रेट ऑफ ई ऑपरेशन घट जाता है और वही अगर हम बात करें जब भीड़ नहीं हो यानी अगर ड्राई एयर हो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो तो क्या होगा फिर ज्यादा तेजी से रेट ऑफ इ होगा आई होप आपको समझ में आ गया ये देखो ई डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड प्लेस फॉर स्केपिंग आप ये सबको ना डायरेक्ट रीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं हमने एक लाइन में सीधे रीजन उनका लिख दिया है एक्सप्लेन तो मैं खुद कर रहा हूं ठीक है ना यानी बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं है मैं इस बोर्ड का यूज़ करूँगा तब तो आप मान लो कि मैं तो इसके बिना इसके एक्सप्लेन कर सकता हूँ ऐसे मुझको दो फायदा होता है ये पता चल जाता है ना पॉइंट क्या है एक्सप्लेन करने के लिए और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ और दूसरा फायदा बच्चे व, इसका जैसे रीजनिंग अगर पूछेगा ना इंक्रीज इन सर्फेस एरिया तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है बस एस नंबर मतलब इन शॉर्ट में उसका रीज़न भी दे देता हूँ एक लाइन में रीज़न और बिल्कुल सही रीज़न है ठीक है ना दो फायदा हो गया इसलिए लिखता हूँ मैं आगे देखिए कूलिंग इज कॉस्ड बाय ई यानी ये पूरे फैक्टर्स की हमने बात कर ली अब हमने देखा कि ई से हमको ठंडा लगता है कूलिंग होती है जैसे मान लो अगर आप गर्मी के दिन में नहा रहे हो तो भी पानी जब पड़ता है शरीर पर तो ठंडा लगता है ना और ठंडे के दिन में तो वैसे हफ्ते वाइज हो जाते हैं संडे संडे नहाते हैं नहीं ऐसी बातें हैं देखिए जब आप अपने शरीर के ऊपर पानी गिराते हो तो उस वक्त ठंड क्यों लगती है ये इंपॉर्टेंट है दिन कोई भी हो चाहे गर्मी है तो थोड़ा कम लगेगा ठंडी है तो तो और लगेगा अब एक्चुअली होता क्या है कि जब वाटर मॉलिक्यूल सपोज करो आपके स्किन पे हमने पानी का बूथ गिरा दिया तो अब वो ईपरेट होगा उसके लिए उसको हीट चाहिए अरे हीट चाहिए तभी तो ईपरेट होगा वो अब जो वो हीट है या तो बाहरी वातावरण से लेगा या तो आपके हाथ से लेगा तो बाहरी वातावरण में उतना तापमान नहीं मिलेगा तो आपका बॉडी टेम्परेचर का हीट वो लेगा हीट लेने के बाद वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा यानी आपके जो जिस स्किन के भाग में यानी हाथ पे जहाँ से वो लिक्विड जिस जगह पे था उसी जगह का तापमान लेगा वो इसीलिए उसी जगह आपको क्या लगता है ठंड लगता है तो रीजन क्या लिखेंगे बिकॉज इट टेक्स देखो रीजन लिख लो बिकॉज ओपरेशन फ्रॉम द बॉडी सरफेस टेक्स हीट फ्रॉम द बॉडी फॉर यू ऑपरेशन सो वी फील कोल्ड यानी हमारे बॉडी से ही वो क्या करता है हीट लेता है इसलिए हमको क्या फील होता है ठंडा फील होता है ठीक ना ओके डियर स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग की ठीक है बॉयलिंग में बेसिकली बहुत कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है क्योंकि ये थोड़ा बेसिकली इसका जो कैनेटिक मॉडल था वो थोड़ा सा टफ है बच्चों को समझने के लिए लेकिन आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी क्रीमली एंड वेरी इजली लाइक लॉलीपॉप अब देखो इसको बॉइलिंग क्या है चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेड स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना किस स्टेट में बॉइलिंग का मतलब लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज होगा सर लॉलीपॉप मत बोलिए नहीं नहीं ठीक है अब लॉलीपॉप नहीं बोलेंगे ठीक देखो चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेज स्टेट मुंह में पानी आ रहा है सर ओके okay, कोई बात नहीं चलेगा देखो अभी इधर करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ना पानी के अंदर का वो बढ़ जाएगा अरे पानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा तभी तो पानी बॉयल होगा खोलना स्टार्ट होगा अब देखिए बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी तापमान आप जितना बढ़ाओगे उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ठीक है ना आगे देखें आप सो मॉलिक्यूल स्टार्ट्स लिविंग सरफेस फ्रॉम टॉप अब जब कोई ऑब्जेक्ट बॉयल होगा तो उसका जो हम बात करें जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर वेपर यानी वाटर के मॉलिक्यूल भाप बन के जो उसका सतह है सरफेस है उससे उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये उड़ने वाली प्रक्रिया ही तो बॉइलिंग है अब देखें आप अब जो बॉयलिंग स्टार्ट होता है वो सतह से भी होगा यानी सरफेस से भी होगा और जो अगर आपने मान लो कोई कंटेनर ले लिया है कोई बर्तन ले लिया है ना तो बर्तन भी गर्म होगा तो उसके टच में जो पानी है वो भी अब काइनेटिक एनर्जी गेन करके वहाँ से बबल के फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट होता है बुलबुला छोटा छोटा बबल्स निकलता है अब देखो जो बबल होता है ना उसमें खास क्या होता है कि जितना वो पानी से ऊपर आएगा उतना ही वो उसका साइज बढ़ने लगता है और उसके साइज के बढ़ने का कारण होता है जितना वो ऊपर आएगा ना उतना उसका दबाव कम होगा क्योंकि मान लो इतना गहरा अगर बर्तन है पानी है तो नीचे तो ज़्यादा पानी होगा ना ऊपर तो बबल छोटा रहता है लेकिन जितना ऊपर आएंगे उतना अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज होगा तो दबाव इसका कम होगा तो बुलबुल्ले का साइज क्या होता है बड़ा होता है तो बुलबुल्ले के फॉर्म में भी वो वेपर क्या होता है बाहर निकल जाता है आप देखें इसको स्टार्ट लिविंग फ्रॉम द टॉप एंड कंटेनर वॉल साइज ऑफ द बबल इंक्रीजेस एज इट गोज अप क्यों हुआ वो मैंने भी बताया विच कॉस एजिटेशन इन द होल लिक्विड यानी जो बुलबुला है जब नीचे से ऊपर की तरफ आने लगता है ना तो पूरे वाटर को वो इधर उधर हिला डुला के टर्वलेंस क्रिएट करके आता है जिससे जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो पुषअप हो जाते हैं यानी वो धक्का देते हुए पानी को आता है जिससे नीचे का पानी ऊपर जाता है और ऊपर का पानी नीचे आने लगता है जिसको आप क्या बोलते हो बॉइलिंग खोलना बोलते हैं ठीक है ये देखें आप वेन बॉइलिंग स्टार्ट हाँ खास बात जब कोई भी लिक्विड अगर बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका तापमान अब उसके आगे नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो फिर आप सोचोगे कि सर आप बताओ तो हम जो हीट कर रहे हैं उसके आगे तो वो अब हीट कहाँ जाएगा वही तो ख़ास है अब उसके बाद जितना आप हीट करोगे ना उतना हीट जो जैसे मान लो वाटर है वाटर अगर बॉयल हो रहा है या दूध लेते हैं एग्जाम्पल दूध अगर बॉयल हो रहा है ना तो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जितना आप हीटिंग करते हो ना वो उतना ही जो एनर्जी वो गेन करता है वो वेपर के फॉर्म में छोड़ने लगता है इसीलिए तो दूध के अंदर से जो खोया हम बनाते हैं वो धीरे धीरे जला के ही बनाया जाता है क्यों क्योंकि उसके अंदर का जो पानी का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा अब जितना हीट करोगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा उसके अंदर जो पानी है ना वो उड़ के जब उड़ेगा तो इसका तापमान कम करेगा नीचे से आप हीटिंग करो ऊपर से उड़ता रहेगा सो टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट नेक्स्ट व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली जब हम माउंटेन्स पे जाने चले जाएं अगर ऊपर चले जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा क्यों क्योंकि आप जितना ऊपर जाओगे उतना हवा कम होगा तो हवा का दबाव ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो अगर आप माउंटेन टॉप पे चले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया भैया जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो वहाँ पे जो बॉयलिंग है उस पर क्या असर पड़ेगा ये हम देख लेते हैं ठीक फिजिक्स का भाग है देखें बॉइलिंग पॉइंट यानी हमने बी पी लिख दिया है बॉयलिंग पॉइंट है बॉयलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन प्रेशर यानी बॉइलिंग पॉइंट जब आप दबाव बढ़ाओगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा और अगर आप प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा यानी माउंटेन टॉप पर आप चले गए तो वहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा अब देखो इसका संबंध आप कैसे समझोगे सॉरी <coughs> जैसे मान लो अगर आप माउंटेन टॉप पे चले गए वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो गया यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो वो अगर वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है खोल रहा है तो अब वो पानी ना 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही खोलने लगेगा समझ में आ गया बात और जब पहले खोलने लगेगा तो जो उसमें तो आप पकाना चाहोगे ना सब्जी चावल दाल जो भी है वो नहीं पकेगा क्यों क्योंकि उसका उतना उसको उतना टेम्परेचर तो मिला ही नहीं अब समझ में आ आगे बात तो अब हम क्या करते हैं हम प्रेशर कुकर के यूज़ करते हैं अब प्रेशर कुकर में क्या होगा जब उसमें पानी आपने भर दिया नीचे से हीट लगाया तो जो पानी के अंदर से वेपर है ना भाप वो उस प्रेशर के अंदर इकट्ठा होने लगता है और फिर दबाव बनाता है जो सीटी फेंकता है ना सीटी में से बाहर निकलता है वेपर तो वो उसके अंदर उतना यानी वेपर मेंटेन है यानी वो प्रेशर मेंटेन कर देता है यानी प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जो घटा हुआ प्रेशर है ना वो भाव के रूप में मेंटेन हो जाता है इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से कितना बढ़ के हो जाता है 125 हो जाता है जब 125 हो जाएगा तो उसके अंदर हीट ज्यादा होगी तो खाना आसानी से पक जाता है अब आई होप समझ में आगे होगा कॉन्सेप्ट कितना भी टफ कॉन्सेप्ट हो वो मैं आपको तुरंत समझाऊंगा देखें आप वाटर बॉयल्स बिलो हंड्रेड डिग्री ऑन माउंटेन टॉप क्यों क्योंकि वहाँ प्रेशर कम हो गया इसलिए हम यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर ताकि जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाए वेपर प्रेशर बढ़ेगा यानी प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वो खाना आसानी से पक जाएगा इनक्रीसर्ज द प्रेशर विच बॉय एट ऑन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सो फूड कुक्स अर्ली आई होप आपको ये समझ में आ गया एक बार में नहीं समझ में आया एक बार और देख लो वीडियो ध्यान से हाँ एक बात एक काम और किया करो जब आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट किया करो यस सर समझ में आया ठीक है ताकि मुझको मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है ऐसे कोई कमेंट नहीं तो मुझको पता ही नहीं चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं है ठीक है उसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है ठीक है अब आगे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड बॉइलिंग एंड ईवोप्रेशन क्योंकि okay, आप देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइिंग यानी इवोपरेशन और बॉलिंग में क्या डिफरेंस है दो तीन टू इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम में दो तीन मार्क्स का पूछेगा आप वहाँ से कर सकते हैं इसलिए देखिए फर्स्ट बॉयलिंग एंड ईवोपरेशन हम बात करें बॉयलिंग की बॉयलिंग अकर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर यानी एक फिक्स टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होगा हर एक लिक्विड का एक बॉयलिंग पॉइंट होता है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा ना उससे पहले तो स्टार्ट नहीं हो सकता है लेकिन हम बात करें ई की ईपरेशन अकर्स प्लेस, प्लेस आ, टेक प्लेस और इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर ये हर तापमान पर होता है ये खास बात है ठीक ना सेकेंड पॉइंट देखें इट अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड यानी बॉइलिंग जब मान लो अगर चाय खोल रहा है ना तो पूरा चाय ऊपर से नीचे मूवमेंट उसमें देखेंगे आप पूरा बॉइलिंग पूरे लिक्विड में होगा लेकिन ईवपरेशन सतह से होता है सिर्फ सरफेस पे होगा अंदर का जो मॉलिक्यूल है वहाँ कोई ईवरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है थर्ड हीट इज सप्लाइड एक्सटर्नली एट अ फिक्स टेम्परेचर यानी इसमें जो बाहर से हीट है ना वो सप्लाई तो होगा लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर जब फिक्स होगा उस फिक्स टेम्परेचर पर ही ये बॉइलिंग स्टार्ट होगी ठीक है लेकिन अगर हम बात करें इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू चेंज इन टू वेपर स्टेट यानी ये कम तापमान भी अगर मिलेगा तो भी ये अपने आप को लिक्विड क्या करेगा वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने लगेगा लास्ट पॉइंट क्या है इसमें इट इज अ रैपिड प्रोसेस यानी इवोपरेशन तेजी से होगा लेकिन सॉरी बॉइलिंग क्या होगा तेजी से होगा लेकिन इवोपरेशन क्या होगा इट इज अ स्लो प्रोसेस ये धीरे धीरे होता रहता है तो आई होप आपको ये डिफरेंस है बॉइलिंग और ये ऑपरेशन में आप इसको याद कर लेंगे ओके okay, अभी देख लेते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन को ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल इजी है एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा थर्मल शब्द का मतलब होता है हीट यानी हीट की वजह से अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैस इन सब के इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाते हैं यानी वो फैल जाते हैं ठीक है जब कोई सब्सटेंस फैलेगा तो उसकी डेंसिटी घटती है ठीक है क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम है डेंसिटी घटती है लेकिन इसका सबसे कम असर सॉलिड्स में होता है लेकिन गैसेस और लिक्विड्स में डेंसिटीज के घटने का असर ज़्यादा होता है तो हम यहाँ बात करते हैं क्या थर्मल एक्सपेंशन यानी जब आप कोई सॉलिड को हीटअप कर रहे हो इफ़ यू आर हीटिंग एनी सॉलिड इट्स कैनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस यानी उसके जो मोलिक्यूल है ना उसकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो लिक्विड तो है नहीं कि भागने लगेंगे एक जगह से दूसरे जगह क्यों क्योंकि सॉलिड के जो मोलिक्यूल्स हैं वो तो फिक्स होते हैं एक जगह फिक्स होते हैं ना बोलो तो अब वो क्या करेंगे ना हीटिंग की वजह से अपने जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन अब ये वाइब्रेट करेंगे ठीक है अब देखें आप यहां से मान लो यहां गया ये यह पार्टिकल फिर यहां से फिर ओरिजिनल जगह पे गया फिर ये दूर गया यानी ये जो दूरी होता है ना इसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड फिर से समझ लें जैसे मान लो ये ये हो गया देखो आप हो गया मीन पोजीशन हो गया अब मान लो हीट मिला ना तो ये एक बार इधर आया ये वाइब्रेट कर रहा है फिर जगह पर गया फिर उधर गया यानी ये या मैक्सिमम दूरी जो ये तय कर रहा है ना यही एम्पलीट्यूड है यानी आप जितना हीटिंग तेज करोगे उतना ही एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाता है ठीक और जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो बढ़ते 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 फिर इनके जो मोलिक्यूल्स हैं ना उनमें डिस्टेंस बढ़ जाता है यानी इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस ही बढ़ जाता है तब इंटर मोलिकुलर स्पेस बढ़ गया इसका मतलब जैसे आप असेंबली में खड़े होते हो पहले चिपक के खड़े होते हो बिल्कुल पास पास लेकिन बोला जाता है प्लीज टेक वन आर्म डिस्टेंस तो आप दूर दूर होने लगते हो दूर होने लगते हो ना तो डिस्टेंस बढ़ गया दो बच्चों के बीच में ऐसे ही दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब डिस्टेंस बढ़ जाता है दूरी बढ़ जाती है तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन क्या बोलते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन आई होप सबको समझ में आगे अब मान लो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और उसका एरिया भी बढ़ेगा सब बढ़ेगा ना अगर मान लो उसका लेंथ बढ़ता है तो हम बोलते हैं उसको लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे एल फॉर लेंथ एल फॉर लीनियर एक्सपेंशन और अगर हम बात करें अगर उसका एरिया बढ़ेगा पूरा एरिया तो एरिया अगर बढ़ जाए हीटिंग की वजह से तो हम उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन कौन सा वर्ड है उसके लिए सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वहीं अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने को जब पूरा वॉल्यूम बढ़ जाए ना हम उसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या बोलते हैं इसको क्यूबिकल एक्सपेंशन तो ये जो जितने टाइप के एक्सपेंशन है वो मैंने आपको बताया और इन्हीं को हमको पढ़ना है ठीक है अब देखो ये सारे जो भी एक्सपेंशन है ना ये सब सॉलिड्स में होते हैं ठीक है अब भाई समझ में आएगा कॉन्सेप्ट एक्सपेंशन का असर अगर हम बात करें डेंसिटी का असर सॉलिड में कम होता है लेकिन एक्सपेंशन तो सब में होना है सॉलिड लिक्विड और गैस में ठीक है अब आप यहां देखें मैंने जो एक्सप्लेन किया था हीटिंग सॉलिड ऑन हीटिंग सॉलिड एवरेज कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज यानी जो सॉलिड है ना उसकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इंक्रीज हो जाएगी मैंने यहाँ सिंबल लिखा है ताकि कम जगह ऑक्यूपाई करें मोलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग यानी अपने जगह पे मोलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे एट देयर मोइन पोजीशन विथ लार्ज एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या होता है वो मैंने अभी आपको समझाया था जैसे हम मान लो मेन पोजीशन हो गया अब यहाँ से एक बार वाइब्रेट करके यहाँ गया तो यहाँ ये जो दूरी है ना आप इसको एम्पलीट्यूड बोलते हो क्या बोलते हो एम्पलीट्यूड अब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा उनके मेन पोजीशन से सो इंटर डिस्टेंस इंक्रीजेस इसलिए सॉलिड क्या होता है एक्सपेंड कर जाएगा यानी वो फैल जाएगा आप बोलोगे कि वो थर्मल एक्सपेंशन हो गया हमने फिर बताया था इसमें लेंथ बढ़े तो लीनियर एरिया बढ़े तो सुपरफिशियल और अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो क्यूबिकल एक्सपेंशन इसको आप बोलते हो ठीक इसका एप्लीकेशन आपके बुक में ये एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है मैं इसको समझा दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है बुक से ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे यानी यहाँ बॉल एंड रिंग सेटअप एक बॉल है ये बॉल हो गया आपका ठीक और एक रिंग है ये रिंग है अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये रिंग है ये बॉल दोनों एक ही साइज़ के हैं बॉल थोड़ा सा छोटा है ठीक तो जब ये ठंडा होता है बॉल ना तो आप इस रिंग में डालोगे तो बॉल आराम से नीचे पार होकर चला चलाता है ठीक लेकिन जब आप इसको हीट अप कर देते हो बॉल को इस बॉल को गर्म करेंगे रिंग को नहीं इस बॉल को गर्म करेंगे तो बॉल को जब आप गर्म करोगे तो बॉल के अंदर एक्सपेंशन होगा हीटिंग की वजह से थर्मल एक्सपेंशन होगा ना तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा यानी बॉल जो जितना बड़ा पहले था उससे तो बड़ा हो गया अब ये क्या होगा कि जो रिंग है ये जिसमें से पास होकर नीचे आ जा रहा था हीटिंग के बाद ये पास नहीं होगा ये उसी पे अटक जाएगा तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करेगा थर्मल एक्सपेंशन क्या प्रूफ करेगा कि हीट करने पे कोई जो सॉलिड सब्सटेंस है वो फैल रहा है यही प्रूफ करेगा दूसरा देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट है बार एंड गेज सेटअप ये भी आपके बुक में दिया है बार एंड गेज सेटअप में भी बिल्कुल ये सिंपल है बार गेज में देखो ये जैसे बार हो गया अब ये इसमें जो थ, जब ये ठंडा था ना तो इससे पहले ये क्या होता था ना ये इसके अंदर इंटर कर जाता था ये हो गया आपका बार और ये हो गया आपका गेज तो ये इसको अंदर करने पे बिल्कुल अंदर आके फिट बैठ जाता था ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपने जब ये बार को गर्म कर दिया किसको गर्म कर दिया बार को हीट कर दिया तो वो क्या करेगा वो एक्सपैंड होगा और एक्सपैंड हो जाने के बाद अब जब इसको डालोगे ना तो इसके अंदर ये नहीं जाएगा ठीक नहीं जाएगा लेकिन हाँ जब ये जब दोबारा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये जाने लगेगा क्यों क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ठंडा होता है ना तो उसका कैनेटिक एनर्जी घटता भी है इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं फिर ओरिजिनल जगह पे चले जाते हैं की वजह से तो आई होप आपको यह सारा समझ में आ गया ठीक है अब हम देखेंगे इसमें एक्सपेंशन और उसके ओके स्टूडेंट्स okay, अभी बात कर लेते हैं हम लीनियर एक्सपेंशन की ओके लीनियर एक्सपेंशन ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है उसमें देखें लीनियर एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज इन लेंथ लीनियर शब्द का मतलब होता है उसका लंबाई बढ़ना ओके okay? तो इस केस में हम बात करेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन uh, किसका होगा तो रॉड का होगा ओके वन रॉड इज हीटेड रॉड का मतलब आयरन रॉड वगैरह मेटल का रॉड उसको अगर आप गर्म कर रहे हो इट्स लेंथ इंक्रीजेस और इसका लेंथ जो बढ़ेगा ना उसी को हम क्या बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन अब देखिए किस पे डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड यानी ओरिजिनल जो लेंथ है रॉड की उस पर डिपेंड करेगा एक्सपेंशन उसका अगर मान लो आपने दो रॉड लिया ध्यान से सुनेंगे आप, आप टेक्स्ट वगैरह बुक में दिया होगा वहाँ से आप पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट मैं सिखा दे रहा हूँ अगर मान लो दो, दो रॉड है एक छोटा है और एक बड़ा सेम मटेरियल का यानी लोहे का आपने दो रॉड लिया वन शॉर्टर लेंथ वन इज लॉन्गर सेम मटेरियल रॉड नाउ यू हैव हीटेड इक्वली यानी दोनों को बराबर अगर आप हीट कर दे रहे हो तो आपको क्या मिलेगा थोड़ी देर के बाद कि जो छोटा रॉड था ना वो थोड़ा उस दोनों लंबाई तो दोनों का बढ़ेगा सिंपल है क्योंकि दोनों में लीनियर एक्सपेंशन होगा लेकिन जो छोटा वाला रॉड है उसके कंपैरिजन में जो लंबा वाला रॉड था ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे लेंथ उसका था तो उसके अंदर ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस में एक्सपेंशन होगा और उस रॉड का लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा किसके तुलना में शॉर्ट वाले के ठीक है तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप लंबा रॉड ले रहे हो तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा छोटा रॉड ले रहे हो तो एक्सपेंशन कम होगा लीनियर एक्सपेंशन दूसरा फैक्टर क्या हाँ आप देखें इंक्रीज इन टेम्परेचर टेम्परेचर का मतलब अगर देखें कि एक्सपेंशन टेम्परेचर से कैसे कैसे वेरी कर रहा है अगर मान लो आपने दो रॉड ले लिया ठीक और दोनों को आपने सेम टेम्परेचर पर हीट कर दिया कितने किस टेम्परेचर पर हीट किया सेम टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर ठीक तो अगर मान लो कि सेम लेंथ का रॉड है अगर आपने उसको हीट अप किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसमें जो लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है वो सेम होगा ठीक समझ में आ गया मान लो कि लंबाई अगर बराबर है और आपने हीटिंग कर दिया दोनों रॉड को तो दोनों में जो एक्सपेंशन है वो क्या देखने को मिलेगा सेम देखने को मिलेगा और इसकी अगर इसके उलट हम चलें तो मान लो कि अगर दो रॉड हैं सेम मटेरियल के दोनों में से अगर हमने एक रॉड को थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट अप कर दिया और दूसरे को कम ठीक आयरन का ही रॉड है लंबाई दोनों का सेम है अगर आपने एक को ज़्यादा गर्म कर दिया और एक को थोड़ा सा कम गर्म किया वहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि जिस जिस रॉड को आपने ज़्यादा हीटप किया है उसका लेंथ ज़्यादा बढ़ गया है और जिसको कम हीटअप किया है उसका लेंथ कम बढ़ा है तो लीनियर एक्सपेंसन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है थर्ड पॉइंट मटेरियल ऑफ द रॉड यानी किस मटेरियल का आपने इस्तेमाल किया है ठीक है अगर मान लो आपने कॉपर यूज़ किया है एक मटेरियल दूसरा यूज़ किया है आयरन अगर आप सेम लेंथ कॉपर और आयरन दोनों को हीट कर रहे हो तो कॉपर आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ेगा ठीक है ना ये ज़्यादा बढ़ेगा यानी ये लीनियर एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑल्सो नेक्स्ट थोड़ा ये एक इक्वेशन दिया है ये कॉमन इक्वेशन है मतलब इससे आपको क्या देखने को मिला कि सपोज करो आप कि आपने एक रॉड लिया ठीक है जिसका टेम्परेचर टी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसका हमने मान लिया कि उसका जो लेंथ है लंबाई है वो एल नॉट है एल जीरो रूम टेम्परेचर पे है यानी बिना गर्म किए आपने फिर उसको गर्म कर दिया ना तो उसका टेम्परेचर यानी उसका लंबाई बढ़ेगा तो उस लेंथ को लेते हैं एल टी ठीक तो अगर आपको फाइंड आउट करना होता है कि कितना उसका लेंथ बढ़ा है उसके लिए ये इक्वेशन है यानी चेंज इन द लेंथ इज इक्वल टू इंक्रीज लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इन टू अल्फा यह है कोफिसियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यही वर्ड वेरी करता है इसमें आप देखें अगर हम बात करेंगे वॉल्यूमिनर एक्सपेंशन की तो यहाँ वी वी टी माइनस वी नाट वी नाट यहाँ मतलब यही वर्ड बस चेंज होगा वहाँ आपके यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है तो वहाँ आपको वॉल्यूमिनर एक्सपेंशन मिलेगा बात एक ही है बस घुमा घुमा के वो दो तीन जगह यूज करेगा सेम इक्वेशन को ठीक एल नॉट ये हो गया आपका क्या टेम्परेचर टी जो ओरिजिनल नहीं जैसे मान लो आपने 37 डिग्री से 30 डिग्री से हीट करके 50 डिग्री लिया तो ये हम कौन सा टेम्परेचर लेंगे 50 डिग्री लेंगे ठीक है तो आप ये क्वेश्चन है इसको देख लेंगे थोड़ा सा इसको मैं बहुत ज़्यादा इस इस्फेसिस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्लास एट में इसे न्यूमेरिकल उमेरकल आता नहीं है ठीक कभी कभी बाई द वाई इक्वेशन ही पूछ देता है तो आप इसको देख लेंगे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन ठीक है वॉट इज द बेसिक अप्लीकेशन ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन इसमें से देखो फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज ये बहुत ही खास एक अप्लीकेशन है यानी जब आप ब्रिज बनाते हैं यानी पुल बनाते हैं तो देखो जैसे मान लो ये एक एंड हो गया उसका एक छोर हो गया ये दूसरा दो दू पिलर होता है ना मतलब मान लो कि अगर रिवर गंगा में या किसी रिवर में पुल है तो इसको दो ये ब्रिक और सीमेंट का पिलर बनाते हैं उसके ऊपर लोहे का रखते हैं रॉड जिसको आप क्या बोल देते हो रोलर बोल देते हैं ठीक है गर्डल बोल देते हैं क्या बोलते हैं गर्डल यानी सपोज करिए ये एक एंड हो गया ये दूसरा बीच में जो लोहे का गर्डल रखा हुआ है ना उसमें देखो खास बात क्या है कि इस गर्डल का एक एंड तो हम सीमेंट में फिक्स कर देते हैं जमा देते हैं कंक्रीट सीमेंट में लेकिन जो उसका दूसरा एंड होता है ना आप उसको कंक्रीट में नहीं फिक्स करते हैं उसको आप किस पे रख देते हैं इसको आप रोलर पे रख देते हैं गोल गोल मेटल का होता है वो ठीक है रोलर पे रख देते हैं अब ऐसा हम क्यों करते हैं देखिए सपोज करो विंटर का समय अगर होगा तो ये तो आयरन मतलब ये लोहे का है मेटल का है तो ये विंटर में कॉन्ट्रैक्ट करेगा और समर सीजन में ये एक्सपेंड करेगा तो जब एक्सपेंड करता है ना तो इसका लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा अगर आप दूसरा एंड भी इसका फिक्स कर दिए हो तो ये इसको स्ट्रक्चर को ये तोड़ देगा तो ब्रिज क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा ऐसे रोलर पे है तो सपोज करो रोलर हो गया ना तो ये थोड़ा सा रोल करके आगे पीछे बढ़ता रहता है ठीक गैपिंग भी आप देखेंगे उसमें दिया रहता है तो पहला एप्लीकेशन हो गया लीनियर एक्सपेंशन का दूसरा देखें देखिए कॉन्सेप्ट मैं समझा दे रहा हूँ बाकी आप बुक में से देख लेंगे थोड़ा सा सपोर्टेड टू द रोलर टकेंड इज रेलवे ट्रैक्स यानी हमेशा जो रेलवे ट्रैक है ना उसमें रेल्स होती हैं मतलब जो स्टील का वो, वो जिस पटरी होता है ना जिस पे रेल चलता है ट्रेन चलता है तो जो दो रे, रेल्स होते हैं ना उनके बीच में ना थोड़ा सा हमेशा गैप छोड़ देते हैं अब ऐसा गैप क्यों छोड़ते हैं क्योंकि समर सीजन में ना ये ये भी लोहा एक्सपेंड होगा और ये दोनों मेटल के हैं दोनों एक्सपेंड होंगे तो ये अगर गैप मान लो पहले से आपने चिपका रखा हुआ ऐसे अगर आपने इसको चिपका दिया है अगर ये एक्सपेंड होगा तब तो बाहर की तरफ बैंड होकर टूट जाएगा थोड़ा सा अगर आपने गैप छोड़ दिया है तो एक्सपेंड होने के बाद दोनों चिपक जाएगा तो रेलवे ट्रैक डैमेज नहीं होगा इसलिए हम इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं ठीक अगला देखो रिवर्टिंग ये इंपॉर्टेंट है रिवर्टिंग का मतलब बेसिकली आप कभी भी दो मेटल्स को जो जोड़ना होता है ताकि जो जोड़ है ना वो उसमें से एयर प्रूफ हो मतलब वाटर प्रूफ भी हो मतलब उसमें से जो जॉइंट है ना उसमें से कुछ बाहर अंदर ना आ जाए एकदम आप चाहते हो कि पैक हो जाए इसके लिए आप क्या करते हैं ये देखें आप सपोज करिए एक स्टील हो गया ये दूसरा स्टील हो गया आपको जोड़ना है आपने इन दोनों में छेद कर दिया है होल कर दिया है और इसके ऊपर ये जो गोल सा होता है ना इसको आप रिवर्ट बोलते हो इसी रिवर्ट को आप गर्म करके इसके अंदर हैमर से अंदर कर देते हैं जैसे हम हैमर से हमने यहाँ अंदर कर दिया ठीक अब ये गर्म होता है तो थोड़ा स्मूथ भी होता है इजिली इस होल के अंदर ये अंदर चले देखो इसमें हम छेद करते हैं ये जो है ना, ये हो गया सपोज करो हम इसको ऊपर से देख रहे हैं यहाँ हम छेद कर देते हैं किसमें इसमें और इसमें ये कील जो होता है ना कील ये जो रेड वाला है जो कील है ना इसी को आप रिवॉर्ट बोलते हो अब इसमें हम कील ऊपर से एक इधर से हो गया और दूसरा इधर से ठीक ना अब हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया उसके बाद ऊपर से किल हम इसके अंदर हैमर से हथौड़ी हाँ से इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं ठीक पहला स्ट्रक्चर इंसर्ट कर देने के बाद थोड़ा सा ऊपर और नीचे ये थोड़ा सा फैल जाएगा क्योंकि गर्म था अब क्या करते हैं लास्ट में हम इसको बहुत तेजी से टाइट पीट देते दे हैं हैमर से वे स्ट्राइक हार्डली हार्डली स्ट्राइक कर देने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर गेन कर लेता है ठीक अब ये जब इसको ये जब ठंडा होता है ना ये स्ट्रक्चर तो ये जो रिवर्ट है ये जो आपको ये रेड कलर का जो खील दिख रहा है ये जो वहाँ पे जो होल था ना इस स्टील के अंदर उसको ये एयर टाइट कर देता है क्यों क्योंकि अपने ओरिजिनल जगह पे तो जा ही नहीं पाता है ठीक ना ये इसके ऊपर थोड़ा फैल जाएगा ना फैलने के बाद ये पूरा जो होल था इसके अंदर इसको पूरी तरह ये पैक कर देता है इसको पूरी तरह से एयर फ्री मतलब कि ये यह यहाँ से कुछ भी चाहे वाटर हो या एयर हो वो पास नहीं करेगा उसको वाटर प्रूफ एयर प्रूफ ये बना देता है ठीक है और ये बिल्कुल आपस में क्या होगा ये चिपक जाएगा ये हो गया आपका किसका एग्जाम्पल रिवर्टिंग का इसको गर्म करने के बाद हमने देखा यहाँ पीट के ठंडा कर दिया तो ये फिर चिपक गया इलेक्ट्रिकल केबल्स समर और विंटर सीजन में जो आपके अगल बगल पोल्स के जो वायर होते हैं ना उसमें देखोगे तो समर सीजन में बिकॉज ऑफ एक्स लीनियर एक्सपेंसन जो तार है वो फैल जाएगा इसलिए तार झूल जाता है नीचे की तरफ लटक जाएगा और वही तार विंटर सीजन में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बिल्कुल टाइट हो जाता है आप देख लें यहाँ पे समर सीज़न में नीचे की तरफ है विंटर सीजन में बिल्कुल टाइट है ये आपके कुछ उसके अप्लीकेशंस हैं ओके okay, अब हम देख लेते हैं फिफ्थ एप्लीकेशन इसका फिटिंग ऑफ स्टील रिम ऑन हॉर्स कार्ट व्हील यानी हॉर्स कार्ट व्हील का मतलब क्या है जैसे देखा होगा आपने ले कार्ट था पहले मतलब वो हॉर्स का जो उसमें आप देखेंगे ना पहले वो लकड़ी का होता है अंदर व्हील ठीक अब उसके ऊपर जैसे बाइक में रिम होता है ना उसके ऊपर लोहे का एक रिम सेट करना होता है लोहे का रिम ठीक और इसके ऊपर वो कुछ और लेदर वगैरह का सेट करते हैं जिससे वो चलता है कट तो ये इस लकड़ी के रिम के ऊपर ये लोहे का रिम सेट करना बहुत मुश्किल होता है अगर ढीला होगा तो वो तुरंत बाहर निकल जाएगा ठीक उसको, उसको उसमें बिल्कुल इसको चिपका होना चाहिए इसके लिए क्या करते हैं ना कि जैसे ये रिम लकड़ी का बना लिया पहले ही इसके बाद जो लोहे का रिम है ना उसको रेडी कर लेते हैं और जो लोहे का रिम होता है ना वो जो लकड़ी का रिम है उससे थोड़ा सा छोटा होता है अब देखिए यहाँ हम लीनियर एक्सपेंशन का क्या यूज़ करते हैं कि थोड़ा सा छोटा होगा हमको पहले से पता है कि अगर हम मेटल को हीट करेंगे तो मेटल एक्सपैंड करेगा फैल जाएगा यानी जो लोहे की रिम है उसको हमने गर्म किया तो वो फैल के उसका डायमीटर बढ़ गया अब गर्म करके बहुत ज़्यादा हम ले जाके उस लकड़ी के रिम के ऊपर रख देते हैं तो जब तक ये लोहे का रिम गर्म होता है ना तब तक इसका डायमीटर ज़्यादा होता है तो आसानी से उस लकड़ी के अंदर वो क्या होता है सेट हो जाता है फिर जब वो ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और लकड़ी के रिम को बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है जिससे कि परमानेंटली वो क्या होता है वहाँ फिक्स हो जाता है दिस इज अप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंसन आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया अब सिक्स देखते हैं ग्लास वेयर यूज इन किचन यानी जो भी देखेंगे अभी बहुत सारे बर्तन आ रहे हैं जिसका हम यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स बिचार आर बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लास ऐसा है ना सब ग्लास के ही बने आ रहे हैं तो उसमें होता क्या है, है ना कि वो कुछ स्पेशल टाइप के ग्लास होते हैं जिसको बोलते हैं आप पैरिंग्स ग्लास ठीक है अब ये पैरिंग्स ग्लास का क्या खास बात होता है कि इनका जो कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है ना वो बहुत ही कम होता है मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो अगर आप उसको उसमें कुछ गर्म जैसे दूध डाल रहे हो तो बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं ना बहुत अगर ठंडा आइस क्यूब्स डाल रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा गर्मी और ठंडी का उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता ही नहीं है इसीलिए हम उसका यूज़ करते हैं नॉर्मल अगर ग्लास होता ना तो वो टूट जाता है क्यों अगर आप गर्म डालोगे उसमें तो एक्सपेंड करेगा ठंडा डालोगे तो वो कॉन्टैक्ट करेगा तो टूटने का चांस होता बट इट इज मेड अप ऑफ पैरिंग्स आप ये इसको याद रखेंगे पेंडुलम इज मेड अप पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक यानी जो पेंडुलम होता है ना देखेंगे ऐसे ऐसे चलता रहता है वो क्लॉक के अंदर जो पेंडुलम है ना उसको खास मेटल से बनाया जाता है इनवर किस से किससे बनाएंगे इनवर से क्यों क्योंकि इसका जो ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो बहुत ही कम है मतलब आप समझो जैसे पेंडुलम हो गया ना ये ठीक इधर इधर इसको बार बार आना जाना है तो ये ये जो मेटल है ना वो आपका इनवार मेटल है कौन सा मेटल है इनवार है ठीक अब प्लस ये सर ये मेटल होता है पेंडुलम का ये वाला जो लोहा हम अटैच करते हैं ना इसमें ये ठीक ये सारा सिस्टम ही इसमें इनवर का बना होता है ताकि अब जो इनवर है ये ठंडी और गर्मी की वजह से फैलता सिकुड़ता नहीं है जिससे कि जो पेंडुलम है ना उसके टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता है ठीक है अगर वो फैलता सिकुड़ता तो टाइम पीरियड बढ़ घट सकता था लेकिन यहाँ पे वो कांस्टेंट होता है क्योंकि उसका एक्सपेंशन मतलब इन मेटल्स का ये ग्लास बेसिकली क्या है ना कि हमने क्या देखा कि जब हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो हर एक चीज़ का लेंथ बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा ठीक लेकिन इनका नहीं बढ़ता है बढ़ता भी है ना तो बहुत जरा सा बढ़ता है जिसका हम फायदा उठाते हैं और इसमें इस्तेमाल करते हैं एक बर्तन बनाने में और एक पेंडुलम बनाने में क्लियर नेगेटिव देखें आप लूजिंग ऑफ द ग्लास स्टॉपर और मेटल स्क्रू क्या जैसे होम्योपैथ का आप देखे होंगे बहुत सारा दवा होता है उसके ऊपर लकड़ी का स्टॉपर लगा देते हैं ठीक अब वो कभी कभी लकड़ी का स्टॉपर अंदर बहुत तेज़ी से बैठ जाता है इट गेट वेरी टाइट टाइट हो गया वो बाहर नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं जो ग्लास है ना उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये एक्सपैंड होगा तो वो निकल जाता है क्लियर दूसरा कभी कभी मेटल जैसे जैसे आप देखे होंगे थम्सअप वगैरह का जो बोटल आता है उसके ऊपर जो कैप आता है ना उसका ढक्कन जिसको बोलते हो वो मेटल का आता है अगर कभी कभी वो नहीं निकले अगर तो अगर उस मेटल को आप हीट करोगे तो एक्सपेंड कर जाएगा एक्सपेंड करके यानी हम उसको निकाल सकते हैं तो यहाँ ये बोला है दो यूज़ बोला है लूजिंग ऑफ द ग्लास स्टॉपर यानी ग्लास स्टॉपर के लिए आप ग्लास हीट कर लेंगे या मेटल स्क्रू यानी मेटल का ढक्कन होगा ना आप उसको गर्म करके दोनों को आप खोल सकते हो ये आप इसका इस्तेमाल हो गया नेक्स्ट क्रैकिंग ऑफ थिक ग्लास टम्बलर जैसे देखो आप थिक ग्लास का मतलब क्या है जैसे मान लो मोटा ग्लास हो गया ठीक मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ जैसे मान लो मेटा ये मोटा एक ग्लास हो गया हम ऊपर से इसको देख रहे हैं जब आप इसमें सिंस ग्ला, ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट मान लो इसमें कुछ आपने बहुत गर्म भर दिया तो जो इनर लेयर है ना वो एक्सपैंड कर जाता है क्यों आपने कुछ इसमें अगर गर्म डाल दिया तो वो जो इनर लेयर है ना वो एक्सपैंड करेगा फैल जाएगा लेकिन जो आउटर लेयर है ना वो नहीं फैलेगा इनर लेयर फैल गया आउटर लेयर नहीं फैला तो ग्लास तुरंत वहीं से क्रैक हो जाता है चटक जाता है टूट जाता है इसलिए हम थिक ग्लास में बहुत ठंडी या बहुत गर्म चीज़ों को नहीं रखते हैं ओके एक बात और बाकी जो आप सॉरी ये लिक्विड और गैसेस का एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने जो पढ़ाया उसी का बार बार रिपीटिशन कॉन्सेप्ट था ठीक है आप उसको एक बार खुद से देखेंगे बुक में इजीली समझ में आएगा वो ठीक है इसलिए हम उसको अभी स्किप कर रहे हैं बाकी ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है मैं इसको बता दे रहा हूँ वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग यानी अगर वाटर आप वाटर का बिहेवियर सबसे अलग होता है ठीक है ना जब आप उसको जीरो डिग्री से फोर डिग्री पे आप उसको हीट करोगे ना तो वो सिकुड़ता है बाकी क्या होंगे फैलते हैं देखो वाटर का जो डेंसिटी होता है ना दैट इज़ मैक्सिमम एट फोर डिग्री सेल्सियस यानी बर्फ जो होता है ना वो जमना स्टार्ट हो जाता है फोर डिग्री सेल्सियस से ही और जीरो डिग्री जाते 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 वो पूरा जम जाता है और बर्फ जब जमता है यानी आइस जब जमता है तो उसके अंदर ना हवा घुस जाता है एयर पेल्यूटेड केज लाइक -like स्ट्रक्चर बनाता है वो केज का मतलब होता है पिंजरा की तरह स्ट्रक्चर बनाता है पिंजरा देखो बाहर से लोहा होगा अंदर खोखला होता है ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाता है आइस जिसकी वजह से कि उस जो अंदर खोखला स्ट्रक्चर है ना उसमें हवा घुस जाता है और जो डेंसिटी होता है आइस का वो क्या होता है जमने के बाद और घट जाता है इसीलिए आइस आप चाहे लिक्विड में डालो या ओशियन में हो कहीं भी हो इट फ्लोट्स ऑन द वाटर क्यों क्योंकि उसका डेंसिटी घट गया है आई होप आपको समझ में आया ठीक है सो डेंसिटी इज मैक्सिमम एट फोर डिग्री सेल्सियस ठीक है so, ये आई होप आपको ये समझ में आ गया ये कुछ खास बात थी इस चैप्टर में इस पॉइंट्स को लेके आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा ठीक है आप अगले चैप्टर मैं आपका जब तक लेके आ रहा हूँ तब तक प्लीज़ वीडियो को बार बार देखें शेयर करें अपने फ्रेंड्स को लाइक करें और कमेंट भी करें थैंक यू हैव अ ग्रेट डे जय हिंद